हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है, लेकिन मुंबई में ये आसान नहीं लगता। यहाँ लंबी लाइन नजर आती है, घंटों लोगों को इंतजार करना पड़ता है, और जब नंबर आता है तो पता चलता है कि स्टॉक खत्म हो गया है। देखिए मुंबई के कूपर हॉस्पिटल से संवाददाता दिनेश मौर्य की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम है कूपर अस्पताल के टीकाकरण केंद्र के बाहर। सुबह से ही यहाँ पर बड़ी संख्या में आम लोग टीका के लिए आए हुए हैं। चिलचिलाती धूप में ये लोग टीके की बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक महिला को देख सकते हैं। मैडम, आप लोग कब से यहाँ पर आए हैं, कब से खड़े हैं आप? 15 मिनट घंटा हो गया, आधा पौना घंटा हो गया है। यहाँ पर कोई 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 कुछ कह रहे हैं आप लोग? कुछ कह नहीं रहे, ऐसे ही लाइन में खड़े रखा है धूप में। सबको पूरे परेशान हो गए इन लोगों से, तो इतने सारे रात भर उससे तो जाने देता है ना, अभी जाने देना चाहिए ना, प्रेफरेंस देना चाहिए ना। आप लोग कब से यहाँ पर आए हैं? है और वो तो जहाँ भी लगा वहाँ लगता नहीं है, यहाँ आना पड़ता है। सुबह कभी टोकन बांटते हैं, कभी नहीं बांटते। और मेरा सेकंड 60+ लगना है, जिसको मुझे 15 दिन हो गया अभी तक कुछ। और हम लोग अभी 80 साल का हो गया, तो इधर खड़ा रहने का ऐसा कैसा होएगा? गवर्नमेंट में सोचना मांगता है ना। 11 बजे से ही खड़े है, टोकन नहीं मिला है, टोकन नहीं मिला है। वो लोगों ने टोकन बंद कर दिया है, बोलता है कि अभी वैक्सीन नहीं है, आप टोकन नहीं मिलेगा तो आपको आज नहीं मिलेगा। मैं 3 बार आके जाके आके कि क्या ये सब पॉलिटिक्स चलता है इसमें? मैं 3 बार पब्लिक को हैरान करो इधर। आप सोचो, न्यूज देखो आप, और उधर बोलते है कि 5,000 भेजा है, बराबर है, और यहाँ 500 टोकन नहीं दिया है। स्वाभाविक है, इतने समय से लंबे समय से धूप में खड़े हैं, लेकिन कोई इनकी बात नहीं सुन रहा। मैडम, हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।